हेलो ब्रेकफास्ट अगेन। पिछली बार हमने बात करी थी सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाई स्ट्रक्चरल यूनिट? बिकॉज ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट? बिकॉज इट कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस व्हिच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म, लाइक न्यूट्रिशन, लाइक रेस्पिरेशन, लाइक एक्सक्रीशन, लाइक रिप्रोडक्शन, लाइक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो क्या था सेल का जो बेसिक जो आउटर कवरिंग है, दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी कंटेंट है, जितना भी मटेरियल है, उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स द न्यूक्लियस आल्सो। बट जैसे मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, जिनके सारे ऑर्गेनेल्स के अंदर मेम्ब्रेन होता है, दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के आसपास भी एक मेम्ब्रेन है, इसलिए न्यूक्लियस की एक डेफिनेट शेप है। तो जो न्यूक्लियस को डेफिनेट शेप दे रहा है वो क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो रीजन है सारा, उसको कहते हैं ये है साइटोप्लाज्म। तो वी मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द मटेरियल व्हिच इज इनक्लोज्ड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन, जिसमें न्यूक्लियस भी इंक्लूड हो जाता है। लेकिन साइटोप्लाज्म इज द रीजन इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे वो वैक्यूल हो। फिर बात होती है सेल शेप की और सेल साइज की। छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि माइकोप्लाज्म इज द स्मॉलेस्ट सेल एंड एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट सेल। एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एग इज बेसिकली, एग के अंदर जो योक होता है वो सेल पार्ट है। तो किसी भी बर्ड का जो एग है, चाहे वो हेन का हो, चाहे वो बर्ड का हो, चाहे वो ऑस्ट्रिच का हो, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द सेल व्हिच आर विजिबल बाय नेकेड आई। कहते हैं उसके अलावा लार्जेस्ट सेल इज द ह्यूमन बॉडी इज द न्यूरॉन। लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज द न्यूरॉन, इसको हम नर्व सेल भी कहते हैं। जो हमारी बॉडी में नर्व्स हैं, जो ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं, जो ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रही हैं, वो बहुत सारे न्यूरॉन्स जो हैं एक ही लाइन में लगे हुए हैं। जैसे आप देखते हैं ना रेलगाड़ी के डब्बे, जैसे रेलगाड़ी के डब्बे एक ही लाइन में लगे हैं, वैसे न्यूरॉन भी एक ही लाइन में लगे हुए हैं। तो जो सेल का शेप है या सेल का साइज है, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का उसका फंक्शन है। हमारी बॉडी में जो आरबीसी है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए इसकी लाइफ क्या है 21 डेज के आसपास। कॉन्टिन्यूसली हमारी बोन मैरो में, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है बोन मैरो, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती है बोन मैरो, इस बोन मैरो में कॉन्टिन्यूसली रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। और आफ्टर एवरी 21 डेज द लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स कम्स टू एंड, ठीक है। तो उनके फंक्शन के हिसाब से भी शेप होती है। और नर्व सेल का काम क्या है? ये मैसेज लेके जाता है ऑर्गन से ब्रेन की तरफ और ब्रेन से लेके आता है ऑर्गन की तरफ। तो दैट इज दैट दे आर लॉन्ग, दे आर इन लेंथ एंड दे आर ब्रांच, ठीक है, उनकी ब्रांचेस होती है। फिर हमने बात करी कि सेल का जो शेप है उसके फंक्शन के हिसाब से डिपेंड करता है। अमीबा एक ऐसा सेल है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी शेप कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है। उसके जो सेल वॉल है यार वो है फ्लेक्सिबल, और यही फ्लेक्सिबल सेल वॉल जो है अमीबा यूज करता है टू कैप्चर फूड। जब अमीबा के आसपास कोई फूड आ जाता है तो उसको इंगल्फ कर लेता है, अपने आप में संभाल लेता है। तो इसका मतलब सेल की शेप चेंज हो रही है। अमीबा इज एग्जांपल ऑफ अ सेल व्हिच कैन चेंज इट्स शेप व्हेन इट फाइंड्स फूड। और कहता है ऐसे ही हमारी बॉडी में भी एक सेल है जो अपनी शेप चेंज करता है, वो है WBC, White blood cell का काम क्या है? जैसे अभी मैं बात बात करी RBC, RBC stands for red blood cell which contains hemoglobin. It is responsible for the transport of oxygen in the body. लेकिन white blood cell क्या है? It is called soldier of the body. और इसका function क्या है? It captures the foreign body present in the body. तो इसकी shape भी change होती है। ये WBC जो है, जब कोई फॉरेन बॉडी देखता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको क्या कर देता है? कैप्चर बाय चेंजिंग इट्स शेप। कहता है शेप द सेल
shape of the cell and size of the cell depends upon the function of the body, function of the cell body depends upon the function of the cell, किस type का cell वो है। अब हमने बात करी कि cell is the functional unit of life, तो functional unit of life होने की वजह से इसको हर समय क्या चाहिए, oxygen, it requires oxygen to perform metabolic activities, cell के अंदर जो continuously activities हो रही है उसको कहते हैं metabolic activities। और जब ये ऑक्सीजन लेगा, देखो अगर हम अपने आप को कंपेयर करें सेल से, तो टू सरवाइव, जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में चल रहा है, रेस्पिरेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में चल रहा है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, कैट्स हैं, डॉग हैं, या इवन प्लांट्स हैं, स्प्लीज हैं, प्लांट में भी रेस्पिरेशन चल रही है। हम हर समय ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन जो हम लेते हैं जाती में, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं ये ब्लड के थ्रू जाती है टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, यानी ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी इज गेनिंग ऑक्सीजन। लेकिन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के बाद इस ऑक्सीजन का यूज क्या है, देखो हमारे बॉडी के हर सेल को हर समय क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए और ग्लूकोज भी चाहिए। और ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज सेल तक कौन लेके जा रहा है, ब्लड। लेकिन जब इस सेल के अंदर क्या होती है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है, रेस्पिरेशन इज द रिलीज ऑफ एनर्जी, तो रिलीज ऑफ द एनर्जी टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, एज अ रिजल्ट बाय प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, दीज बाय प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड यूरिया, तो दीज हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेल। तो देयर, अच्छा उसके अलावा सेल को क्या चाहिए हर समय, वाटर, ठीक है। तो ये एसेंशियल सब्सटेंसेस है जो सेल को हमेशा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, वाटर चाहिए। और सेल में छोड़ना क्या क्या है, CO2 छोड़ना और यूरिया छोड़ना। अब जो ऑक्सीजन और CO2 है वो तो सेल को मिल जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, वाटर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ गैसेज फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। जब सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो सेल के बाहर से ऑक्सीजन सेल के अंदर जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब इस ऑक्सीजन को यूज करके, ग्लूकोज को यूज करके जब रेस्पिरेशन होती है तो सेल के अंदर क्या पैदा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल के बाहर निकालने के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, डिफ्यूजन। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड CO2 टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। अब डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। बट व्हाट इज, हाउ डज वाटर एक्सचेंज टेक प्लेस, हमने एक कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, कहता है। लेकिन जब ये मूवमेंट होती है वाटर की, उसके लिए एक स्पेशल नाम देते हैं उसको, ऑस्मोसिस। अब इस बात को समझिएगा, व्हाट इज ऑस्मोसिस, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ एनी मटेरियल वेदर इट मे बी गैस और एनीथिंग एल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, बट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हमें तीन अलग अलग कंडीशन समझनी है। पहली है हाइपोटोनिक कंडीशन। हाइपोटोनिक कंडीशन इज अ कंडीशन इन विच, लेट अस से ये कोई सेल है और इसके बाहर हमारे पास कोई बीकर है या कुछ है, इस सेल को बहुत बड़ा दिखा दिया, तो ये सेल है, सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम है और सेल के बाहर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज है। हाइपोथेटिकल वैल्यूज का मतलब क्या है, केवल आपको समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए कि सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन क्या है, 30%
और सेल के बाहर पानी की कंसंट्रेशन क्या है, मान लीजिए 80%। एज अ रिजल्ट द वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। ठीक है, वी नो द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो अगर बाहर से सेल के बाहर से सेल के अंदर पानी जाएगा तो उसको कंडीशन में कहते हैं एंड ऑस्मोसिस, और एज अ रिजल्ट द सेल विल स्वेल, सेल विल स्वेल। हाइपो, हाइपो, हाइपो का मतलब क्या होगा, भूल गया ना, हाइपो। तो जब सेल को हाइपोटोनिक कंडीशन में रखा जाता है, हाइपोटोनिक कंडीशन का मतलब क्या हुआ, जब सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम है और सेल के बाहर की पानी की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, तो सेल के बाहर से पानी फ्लो करेगा सेल के अंदर, जिससे सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, हिपोपोटामस की तरह मोटा हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हो, कोई लेमन ले लो, नींबू ले लो, उस नींबू के अंदर बीच में छेद करके उसका सारा रस निचोड़ दो, उसकी जो उसका जो छिलका को उतारो मत, कहीं पे छेद करके उसका सारा सर जो रस है निचोड़ दो, और फिर रात को उस पिछके हुए नींबू को पानी की बाल्टी में रख दो, सुबह तक आप देखोगे वही नींबू जो है घूल के फिर दोबारा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जब आपने रस निचोड़ लिया नींबू के अंदर पानी की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम। लेकिन जब आप रात को उसको पानी की बाल्टी में रखोगे तो पानी की बाल्टी में पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है बजाय के नींबू के, तो दैट लेमन इज बिहेविंग लाइक अ सेल। तो क्योंकि वो सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के बाहर, सॉरी सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम है और सेल के बाहर पानी की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, तो वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल एंड द सेल विल स्वेल। आई होप इट इज क्लियर। देन देयर इज आइसोटोनिक कंडीशन, या आइसोटोनिक से पहले बात करते हैं हाइपर हाइपरटोनिक की। हाइपरटोनिक कंडीशन में सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन मान लीजिए 90% है और बाहर क्या है 10% है, तो एज अ रिजल्ट द वाटर विल मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द सेल। The water will move from inside to outside the cell, and this process is called exosmosis. Ex का मतलब क्या हुआ? Exit. Exit का मतलब क्या? बाहर जाना। जब हम किसी ऑडिटोरियम हॉल में जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो वहाँ पे एक रेड कलर से लिखा होता है exit. Exit का मतलब क्या हुआ? बाहर जाने का रास्ता। तो जब सेल के अंदर से पानी सेल के बाहर चले जाता है, तो कहते हैं exosmosis. As a result, the cell will श्रिंक, सेल जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन सेल इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एंड इन दिस केस द फिनोमेनन वी ऑब्जर्व इज एंडोस्मोसिस, और द रिजल्ट इज द सेल विल स्वेल, बट द सॉल्यूशन इन विच concentration of water is less than the concentration of water inside the cell, the cell will, the water will move from inside to outside the cell, the condition is known as exosmosis, the result will, the cell will shrink. चलो फिर हमने बात करी किसकी, isotonic condition की। isotonic का मतलब क्या है, जितनी concentration बाहर है उतनी concentration अंदर है। As a result, there will be no flow of water from outside to inside or from inside to outside the cell. So such a solution is known as isotonic condition. उस केस में ना endosmosis, ना endosmosis होगी, ना exosmosis होगी, मतलब osmosis होगा ही नहीं। There will be no movement of water from either inside to outside or from outside to inside the cell. Such a condition is known as isotonic condition. अब आइसोटोमिक कंडीशन के बेस पे हम एक और कंडीशन समझ सकते हैं, लेट अस सी, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कंसीडरिंग इट टू बी अ प्लांट सेल, हमने इसके आसपास क्या बना दी, एक सेल वॉल। ठीक है, अब अगर हम इसको रख देते हैं
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में या हाइपरटोनिक कंडीशन में, जिस केस में सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के बाहर पानी की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। अब सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, तो इसकी शेप तो चेंज नहीं होगी, लेकिन काफी समय इस कंडीशन में रहने के बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिकुड़ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सिकुड़ जाएगा, अंदर की तरफ मूव कर जाएगा सेल वॉल से अलग होके, क्योंकि सेल वॉल तो नहीं सिकुड़ सकती, सेल वॉल तो रिजिड है, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो स्वेल हो सकता है अगर इसको हाइपोटोनिक कंडीशन में रखा होता। अगर आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जब सेल को हाइपोटोनिक कंडीशन में रखा जाता है तो सेल के बाहर से पानी सेल के अंदर जाता है, तो उस केस में सेल बर्स्ट करने वाली है, उसको बहुत प्रोटेक्ट करता है सेल वॉल। लेकिन अगर हम सेल को किस में रखेंगे, हाइपरटोनिक कंडीशन में, तो सेल मेम्ब्रेन से पानी सेल के बाहर जाएगा, एज अ रिजल्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और श्रिंक होने के बाद इट विल मूव अवे फ्रॉम द सेल वॉल। दिस कंडीशन इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस, दिस कंडीशन इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस is the shrinking of plasma membrane and moving of plasma membrane away from the cell wall towards inside the cell when it is placed in a hypertonic solution. ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका फंक्शन हमने डिस्कस करना था। प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिड्स जो है खाली प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। प्लास्टिड्स का काम क्या है, ये ल्यूकोब्लास्ट हैं जो कलरलेस हैं, दे स्टोर द फूड, और क्रोमोब्लास्ट जो कलरफुल हैं, दे गिव कलर टू द फ्लावर, लीव्स को कलर देना, ग्रीन कलर देना। क्लोरोप्लास्ट जो फूल हैं, फल हैं, फ्रूट्स हैं, एट द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स दे गेट कलर फ्रॉम क्रोमोब्लास्ट। ठीक है, तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट सेल में है लेकिन सेल एनिमल सेल में नहीं है, जैसे प्लास्टिड, जैसे सेल वॉल। तो ये जितना मैंने कराया मुझे आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी आप एनसीईआरटी ये वैसे पढ़ो चैप्टर को, कोई भी डाउट आप वैसे पूछ सकते हो, सकता है एक आधा ऑर्गेनिज्म से मिस हो जाओ, वो बाद में डिस्कस करते हैं। बाय।